अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बहुत ही इजी मगर बहुत स्टाइलिश टॉप तैयार करना सिखाऊंगी। व्यूवर्स, ये टॉप आप 1 से 1.5 मीटर में इजीली तैयार कर सकती हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कंट्रास्ट कपड़ा है, मैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। इस टी शर्ट के मुताबिक हम मेजरमेंट करेंगे। अगर आपके पास बच्ची की स्ट्रेट शर्ट हो तो भी मेजरमेंट के लिए ठीक रहेगी। ये कपड़े की चौड़ाई है, यहाँ से हम शर्ट की चौड़ाई मेजर करेंगे। शर्ट की चौड़ाई 16 इंच है, तो कपड़े पर चौड़ाई तकरीबन 19 इंच रखूँगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 17 या 18 भी रख सकती हैं। शर्ट की लंबाई 20 इंच है, तो कपड़े पर 22 रखेंगे। आप कपड़े को इस तरह डबल करके लंबाई और चौड़ाई अलग कर लें। फ्रंट और बैक अलग अलग कर लें। सिर्फ शर्ट की फ्रंट साइड का पीस लें और इसे सेंटर से लंबाई में 2 पीस बना लें। आप कंट्रास्ट कपड़े को शर्ट की लंबाई के मुताबिक लें, चौड़ाई 8 इंच लें। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई अलग कर लें। लंबाई शर्ट की लंबाई के बिल्कुल बराबर कर लें। सेंटर में कंट्रास्ट पीस रखकर साइडों पर शर्ट के दोनों पीस स्टिच कर लें। व्यूवर, स्टिच होने के बाद ये ऐसे दिखाई देंगे। अब कपड़े को प्रेस करके सेंटर लाइन बना लें। जहां से जोड़ लगाया था वहां से पकड़कर सेंटर लाइन तक लाएं। दूसरी साइड भी सेंटर लाइन तक ले आएं। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दें। 3 इंच गले की लंबाई के लिए छोड़ें। फिर टोटल लंबाई के मुताबिक हाफ से थोड़ा सा पीछे की तरफ एक निशान लगाएं। इस निशान तक हम सिलाई लगाएंगे और इसे बंद करेंगे। नीचे ये पैनल की तरह खुला रहेगा। इस निशान तक दोनों साइड से पिनअप कर लें ताकि आपको आसानी रहे। व्यूवर्स, ऊपर वाला हिस्सा सिलाई होगा और नीचे से इस तरह से खुला रहेगा। अब पिनअप किए हुए हिस्से को इस तरह से सिलाई लगा लें। ये सेंटर में हमारा बॉक्स प्लेट बन जाएगा। आप शर्ट की फ्रंट और बैक लंबाई में ऊपर नीचे रखकर कटिंग करेंगे। पहले शोल्डर मेजर करें, 12 इंच हैं। आर्म होल को इस तरह गोलाई में मेजर करें, 7.5 इंच हैं। चेस्ट मेजर करें, तकरीबन 16 इंच है। अब 12 के मुताबिक 6 पर निशान लगाएं। आर्म होल का 7.2 पर निशान लगाएं और स्क्वायर बनाकर इस तरह से गुलाई कर लें। अब चेस्ट का निशान 8 इंच पर लगाएं। कमर का निशान 7.5 इंच पर लगाएं और इस तरह बाहर की तरफ ए लाइन शेप में फिटिंग की मार्किंग कर लें। नीचे से 1.5 पर निशान लगाएं और गोल शेप बना लें। शोल्डर से 1/2 इंच तिरछा निशान लगाएं
अब मार्किंग के मुताबिक कटिंग कर लें। अब सिर्फ फ्रंट साइड लें, शोल्डर से मजीद हाफ इंच का निशान लगाएं। आर्म होल की भी निशान लगाकर थोड़ी सी डीप कटिंग कर लें। अब नेकलाइन की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई लें, 3 इंच लंबाई लें और गोलाई करके कटिंग करें। बैक नेक लाइन कटिंग करने के लिए फ्रंट साइड ऊपर रखें, बैक नीचे रखें। चौड़ाई सेम हो और लंबाई में 1.5 इंच हो। क्योंकि बच्चों की नेक लाइन ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम बैक पर बटन टेक भी बनाएंगे। हमारी टॉप की कटिंग कंप्लीट है। अब कंट्रास्ट कपड़े की पाइपिंग के लिए अरेब पट्टियाँ कटिंग करेंगे। अरेब कटिंग करने के लिए इस तरह से एक कोना पकड़कर ट्रायंगल की शेप दें और 1 इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से कटिंग कर लें। इसी तरह सारी पट्टियाँ कटिंग कर लें। आइए अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शोल्डर अटैच करेंगे। अब अरेब पट्टी उल्टी साइड पर रखकर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी जगह से पकड़ते हुए सिलाई लगाते जाएं। अब इसे सीधी साइड पर पलटकर सिलाई के ऊपर कपड़ा फोल्ड करके एहतियात से बराबर सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरी साइड तैयार करें। गले की पाइपिंग करने से पहले हम बैक नेक लाइन के साथ बटन लगाने के लिए कट तैयार करेंगे। तो बैक नेक लाइन का सेंटर बना लें और कट लगा लें। अब आप जितना कट रखना चाहती हैं उतना निशान लगाएं। मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है, निशान के मुताबिक कट लगाएं। एक्स्ट्रा कपड़े की 2 इंच चौड़ी पट्टी बनाएं। इस पर भी शर्ट वाले कट के मुताबिक कट बना लें और फिर नीचे से कट बराबर रखते हुए सीधी साइड पर कपड़ा रखकर 2 पॉइंट की सिलाई लगाते जाएं। नीचे कट से वी शेप दे लें। नीचे हल्के से कट लगाएं। अब कपड़ा अंदर की तरफ पलटते हुए किनारे पर सिलाई लगा लें। जो कपड़ा हमने लगाया है इस तरह से अंदर की तरफ खुद ब खुद ही मुड़ जाएगा। प्रेस करके अब अंदर वाली साइड पर बारीक तुरपाई कर लें या सिलाई लगा लें। अब गले की पाइपिंग बैक साइड से इस तरह स्टार्ट करें।
बाहर की तरफ पलटकर सिलाई लगा लें। फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएं। अगर आप शर्ट स्लीवलेस बना रही हैं तो कोने इस तरह मोड़कर सिलाई लगा लें। फिटिंग में हल्के हल्के कट लगा लें। अच्छी गुलाई बनाने के लिए नीचे से पहले सिंगल मोड़ें, फिर दोबारा फोल्ड करके सिलाई लगा लें। अब हम बैक नेक लाइन पर बटन लगाने के लिए लूप बनाएंगे। बारीक सी रेप पट्टी काटें। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लें। अगर चाहें तो सीधी करने वाली लूप भी तैयार कर सकती हैं। अब इसे इस तरह से अटैच कर लें। व्यूवर्स, इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होती है लेकिन बच्चियों के नेक लाइन में खूबसूरती आ जाती है। वैसे अगर हम बड़ा नेक लाइन बनाएंगे तो वो बच्चियों के सेट नहीं रहता। स्लीट पर आप चाहें तो बटन लगा लें या फिर बड़ी बो भी लगा सकती हैं। मैं ये तीन छोटी बोज इस शर्ट पर अटैच करूंगी। बो बनाने की मुकम्मल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मेरा चैनल विज़िट करके भी बो की वीडियो देख सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इस टॉप के साथ डिज़ाइनिंग कैप्रीप की कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और उर्दू गर्ल्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।